बोलो भाई, कैसे करोगे क्वेश्चन को? हेलो, सर एच न्यू निकाल लेंगे सर। सर ई निकाल लेंगे फिर कंपेयर करेंगे। देखो एक्चुअली क्या है कि एक काम करो, जैसे एनर्जी निकालना है तो एच न्यू तो नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी नहीं दी ना, एच सी बाय लैम्डा लगाओगे। एच सी बाय लैम्डा निकालना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो तो आ जाएगा। फिर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कोई चाहता है एच सी बाय लैम्डा का दिक्कत है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर देंगे ना सर, उसका अगर हमारा फंक्शन चाहिए तो आंसर आएगा जूल में। आंसर आएगा जूल में, अब उसे ट्रांसफॉर्म करना तो पड़ेगा उसको सर, उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना। सर डिवाइड कर अगर देंगे ई से, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ई सी बाय लैम्डा ई क्या है बच्चे बताना, किसे निकाला क्या? एच सी कैलकुलेटर वगैरह यूज करके भी क्या आया, इसकी वैल्यू क्या आई? बोलो भाई बोलो, अरे किसी का आया क्या? सर निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे निकाल। हेलो, हेलो हेलो, हुआ भाई हुआ? इतना टाइम कैसे लग रहा है अभी बच्चों, बताओ भाई। दो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा करीब, दो ढाई तीन ऐसे कुछ आएगा। चेक करो तीन के करीब आ रहा है, तीन के करीब, तीन के करीब आ रहा है क्या? तीन के करीब कितना आ रहा है? 3.5 से ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? 3.1 आ रहा है मेरा तो, वन आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमारी एनर्जी ये है, इससे कौन कौन से किस किस में एमिशन हो सकता है बताओ? अगर इतनी एनर्जी है तो इसमें तो हो ही जाएगा, पर फंक्शन कम है, इसमें भी हो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम में कैल्शियम नहीं होगा, इन दोनों में नहीं हो पाएगा। मल्टीपल समझ गए नहीं समझे? यस बोलो। यस अगर हमारी एनर्जी सफिशियंटली हाई नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर हमारे पास सफिशियंटली हाई एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है, और अगर जैसे ठीक ठाक एनर्जी है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे हमने एनर्जी दी एच न्यू, तो कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगा, बाकी पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, ऐसे। तो चलो भाई क्वेश्चन देखो। लो अच्छे 20 यहां से करो। Use this formula.
सर मास दोनों का सेम ही रहेगा सर, वेलोसिटी सेम, मास तो सेम ही होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। करें भाई, चलो ये करते हैं। क्वेश्चन भी आ रहा है क्या सर? देखते हैं, 2f की फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v1, अगर 5f की फ्रीक्वेंसी है तो v2, 2f की v1, h nu naught half m v1 square, एच न्यू टू एच न्यू नॉट हाफ एम वी टू स्क्वायर। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि अगर 2f की फ्रीक्वेंसी पड़ेगी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। कितना आ गया ये? HF is equal to half mv1 square. ठीक है, और फाइव एफ होगी तो ये v2 square होगा, फोर एच एफ आई। देखते हैं, अच्छे थ्री टू स्क्वायर सर, वन इज टू फोर। देखते हैं, अच्छे काटो, टू बाय वन इज इक्वल टू वी टू बाय वी टू होल स्क्वायर, वी टू बाय फोर, सॉरी फोर बाय वन, फोर आएगा ना सर, टू हो जाएगा फिर, वो टू बाय वन हो जाएगा, वी टू बाय वी वन या वी वन बाय वी टू, वन बाय टू हो जाएगा। बस हो गया, अच्छा। यस।